This is something which is very good, worth the money. Nepali sekwa, both expensive hai yaar. Dig dig. Please don't be ugly. Chicken bhi hai. Kya baat hai, log tere ko bada pyar kar rahe hain. Taste karne ke liye, taki aap log ye galti mat karna. Karna shekwa. Smells masaledar. This is so good. Agar slurp nahi kar pati ho to kaat liya karo. Korean mishti paroti. Nahi kha sakti. Morning, food fam, and welcome to my world of sinful eating. Before starting this video, I have a good news and a bad news. So good news ये है that I am super 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 happy because live video में मेरे को बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ interact करके बातें करके दिल बहुत ही ज़्यादा हल्का हो गया. I don't know why but I am feeling sinful foodie energy back उस दिन बात करने के बाद. And yeah, thank you so much. दूसरी चीज़ जो bad news है वो ये है कि Thailand food series खत्म हो चुकी है and मुझे अब लग के खाना पड़ेगा. So जो मैं सोच रही थी कि एब्स होगा, जिम करूंगी, वो सब अभी थोड़ा सा यू नो कम हो जाएगा. एब्स तो शायद अब नेक्स्ट ईयर ही निकले, वो भी आएगा कि नहीं आएगा, I have no idea. But no worries. Then आपने मेरी लाइव वीडियो देखी है तो आपको पता होगा that from 26th to 4th January I'll be in Vrindavan for Bhagwat. उसके बाद I'm going to Patna, Bihar, मतलब to cover the Bihar state. Yes, finally food vlogging in India. You'll get a Indian food series. अगर आपने वो लाइव वीडियो नहीं देखी, you gotta go and watch. The link is pinned in the comment. तो ये तो होगी थोड़ी सी अपडेट एंड गुड न्यूज बैड न्यूज. बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, तो याद है ना, यू हैव टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब. सो जल्दी से 15,000 लाइक कर दो. 15,000 से ज्यादा दे दोगे तो अच्छा ही है, बट लेट्स स्टार्ट विद द स्मॉल स्टेप. कहां मेरा एक टाइम पे आप लोग 50,000 का लाइक टारगेट पूरा करते थे, अभी 15,000 का लाइक टारगेट पूरा कर दो एंड लेट्स गेट दिस वीडियो 2,000 येलो हार्ट. बिकॉज अभी मैं नेक्स्ट 10-15 दिन कोलकाता में हूँ तो इंस्टाग्राम पे अ लॉट ऑफ कोलकाता फूड फैम हैव बीन टैगिंग मी एट दिस प्लेस जो अभी न्यूली खुला है एट न्यू टाउन, विच इज अ कोरियन फूड मार्ट. बेसिकली यू गेट ऑल द कोरियन फूड अप देयर. सो पीपल वेर लाइक या प्लीज जाओ रिव्यू करो एंड ऑल. सो आई विल बी रिव्यूइंग दैट प्लेस. सो कल रात को मैं ऑलरेडी वहां जाके मैंने बहुत सारे सामान वगैरह इकट्ठा कर लिए थे एंड आज मैं वो सब खाने वाली हूँ. तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं, बट थोड़ा सा रिवाइंड करके. सो विंटर मीन्स स्कूटी राइड मीन्स बिट्टू भैया मीन्स हुडी, मतलब मैं भी हुडी, हम दोनों हुडी बुडी. I want to eat KFC. Single looking good. I want to eat KFC. मेरे को तो सब ही दे दो भाई, KFC खाना है. आज तो जंक खाने का मन कर रहा है. खाएंगे. टिक. काउंटर खत्म. अरे यार, ऐसे करने से थोड़ी ना होगा. तो यहाँ पर रेडी टू ईट क्या क्या है? Let's take. ये वाला कौन सा फेवरेट है? ठीक है, फिश केक. वो शीट है फिश केक का, जो फिश केक इससे क्या प्राइस है? एक्सपेंसिव बट लेट्स टेक इट. हम तो ट्रैवल कर रहे हैं 26 को, तो तुम कर पाएंगे? चीज केक है क्या? लेट्स सी दिस वन. ये वाला क्या आइसक्रीम है क्या? आइसक्रीम है. ये भी अच्छा है. ये सही है, सबसे अच्छा. आई एंड ऑलवेज से हाँ, मैं अभी प्राइस देख रही हूँ, मेरे को हार्ट अटैक अगर अंदर जा रहे होगा. ये वाला के पॉट के क्या ले लो क्या? ये रख देते हैं, ये अभी फिश के खिला से खा बनवा के खा लेते हैं. ऐसे की वियर्ड टेस्ट क्या है देख. जो हम लोग वहाँ खाए नहीं. वॉर्म फूफा मतलब क्या होगा? सिल्क वॉर्म फूफा. बिट्टू भैया इज सो रिच. रिच पैसा है तुम्हारे पास? क्यों पैसा पैसा? ओह बिट्टू भैया इज रिच. रिच क्या बोल रहा है? बेकार. You didn't like? कुछ था ही नहीं, बस नूडल्स. और बहुत एक्सपेंसिव भी है. और एक्सपायरी वाला स्टोरी बता दे. बताएगा? इसका शायद प्रोडक्ट एक्सपायर हो गया. मैं जो लेने आई थी विच वाज हॉट डॉग. हाँ, शायद एक्सपायर हो गया कल. हॉट डॉग नहीं, कॉर्न डॉग. मेरे भी कॉर्न डॉग या जो भी था ये कल, मतलब कल एक्सपायर हो गया था, एक ही बचा था. तो स्कूल आपको मैं फ्री में दे दूंगा, आप ले लीजिए. मैं बोली मेरे को मरना नहीं है. वो लोग भी क्या करें, उन लोग का भी खरीदा हुआ है, फ्री में दे रहे तो पहन भी सकता है. लोग खा लेते हैं, एक दो दिन का एक्सपायर सामान खा लेते हैं, इसीलिए नॉर्मली रियल लाइफ में खाते हैं. ये लोग कॉमेंट करके बोलेंगे, पूछ उनसे वो एक्सपायर प्रोडक्ट खाते हैं कि नहीं खाते हैं. पहले तुम पूछ. हम लोग तो नहीं खाते. और ये आप खाते हो कि नहीं खाते हो कमेंट करके बताओ. क्या कितना का बिल आया? सी बहुत एक्सपेंसिव है यार. अरे ब्लैक कॉफी तो दे दो. काफी बिस्किट तो देना चाहिए ना. स्टारबक्स थोड़ी है, स्टारबक्स बिस्किट नहीं देता. ये इसका रेसिपी बहुत इजी है, देखो एक दिन घर में बना के खिलाऊंगी मैं. इसका रेसिपी बहुत जजांग का सॉस मार्केट में मिलता है. नहीं नहीं, सॉस मार्केट में नहीं, सोया सॉस और उसको जला जला के करके बनाता. मैंने स्टेप देखा था, बहुत इजी है. सोचा तो पापा शेफ के चैनल पर डालूंगी, बट कभी हुआ नहीं. चॉप से कितना छोटू है. मैं तो फोक से ही खाऊंगा.
तेरे से पहले मैं ही टेस्ट कर लेती हूं। मैं देख रही हूं उसमें क्या मीट है, इसमें से प्याज लग रहा है, कोई मीट शायद है नहीं इसमें। नहीं नहीं है, ये तो भाई पोर्की है ना ये। छोड़ ना, हम लोग तो खाते ही है, हम लोग बीफ तो नहीं खाते ना। बीफ नहीं बेच सकता। सोयाबीन लग रहा है, वेज ही होगा भाई। तेरे को अच्छा नहीं लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? चटक मटक। प्लीज डोंट बी अगली, प्लीज डोंट बी अगली, प्लीज डोंट बी अगली। It's good. This is something which is very good, worth the money. It's 450 rupees, but given an opportunity, this is the only good item it's there. I love this. I love this. Better than the jajang, this is very good. बिट्टू तेरा नाक आप खुल जाएगा। तो फिशी, स्टॉकी, सूपी, ब्रोथी, अनियनिश, स्पाइसी। I love this. ओ मैं तो भूल ही गई थी। डे सीला मार्ट से हमने सामान लिया, ज्यादा मेरे को कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लगा, बहुत एक्सपेंसिव है, बट हाँ डेफिनेटली वैरायटीज भी ओके टाइप्स है, नॉट दैट ग्रेट। किंग्स बेकरी का खाना इज पथेटिक एक्सेप्ट फॉर द फिश केक। आई रियली लाइक द फिश केक। यू फिश केक मेरे को ज्यादा बिट्टू को तो वैसे भी सर्दी लगा हुआ, बेटा जजांग खा के सोचा था क्या और खाया क्या, जजांग बेकार था, बहुत ही बेकार था। 350 रुपए लेके इट्स लाइक नॉट दैट वर्थ। पैकेट खरीद लो और खा लो जाके। वो बिट्टू ने खरीद भी लिया ऑलरेडी। सो चलो अब घर जाते, घर जाके देखते वो सारे प्रोडक्ट्स ट्राई करके देखेंगे, कल सुबह ट्राई करेंगे। आप भी तो और होगा नहीं। अभी मैं मम्मी के लिए लेके आई हूँ सेकुआ का कबाब, नेपाली सेकुआ। इट्स वेरी डिलीशियस मॉम, यू गोना लव इट। नेपाली सेकुआ खा के बताओ कैसा? वो तो अच्छा नहीं। अरे टेंशन लोगे तो और शुगर बढ़ेगा, इतना मत सोचो। नहीं ये जहर है, पतली कमरिया बोलो आय हाय हाय, तेरे चिन्न जरिया बोलो आय हाय हाय आय हाय हाय। चेहरा दिखा दे, ठुमका दिखा दे। तुमको खानी है चिकन? मंगता है पहले ठुमका मार के दिखा। नहीं यू हैव टू। अभी नहीं। कोई खा ही नहीं रहा, मैं ही खा लेती हूँ। आई नो मैं खाऊंगी, खा के रिव्यू दूंगी। अभी फिलहाल मैं खाऊंगी सेकुआ। इस जगह का नाम था सेकुआ घर, यूनिटेक में है, फूड पैराडाइज में। जस्ट डू डेफिनेटली गिव दिस अ ट्राई, दिस इज वेरी गुड। ऐसे क्लिप अच्छा नहीं आ रहा है ना बिट्टू भैया को शूट करना। मस्ट ट्राई सेकुआ घर का लेग सेकुआ, इज अ मस्ट ट्राई। सो दिस आर अ फ्यू प्रोडक्ट्स जो मैंने सीला मार्ट से लिया हुआ है, और ये मुझे पड़ा है 2,379 रुपीज, वही 2,300 रुपए के आसपास। मैं वहां गई थी खाने रेडी टू ईट कॉर्नडॉग, वहां पर एक्सपायर था, मतलब था भी नहीं, एक ही था वो भी एक्सपायर था। और बिट्टू बहन आप लोगों को स्टोरी बताइए कॉर्नडॉग वाली। सो यहाँ पर एक एक करके हम खाते हैं। तो आई डोंट नो मैंने विंटर्स में आइसक्रीम क्यों उठाया, बिकॉज उस बंदे ने बोला कि मैम ये वाला आइसक्रीम बहुत अच्छा है। तो बेसिकली दिस इज ओरियो आइसक्रीम, एंड इन सबका प्राइस मैं नीचे मेंशन कर दूंगी। एंड इसका स्पेशलिटी ये है कि आप इसको खोल के थोड़ा पिघला लो, रख दो साइड में तो पिघल जाएगा, मिल्क शेक की तरह पी लो। तो इसको हम लोग बाद में पिएंगे, थोड़ा पिघलने तो अभी बहुत टाइट है। उसके बाद ये भी उसने बोला कि ये वाला एक पापी को, ये एक आइसक्रीम पापी को, नाम ही पापी को है, मतलब पाप पड़ेगा खा के, या पापी आइसक्रीम है। तो ये एक चॉकलेट आइसक्रीम मेरे को लग रहा है ये। तो ये उसने बोला कि ये ट्राई कीजिए, बहुत अच्छा है। वैसे तो वो हर चीज के लिए बोल रहा था बहुत अच्छा, सब ट्राई कीजिए। तो सीला मार्ट जो है ना, बेसिकली अगर आप कोरियन रेस्टोरेंट खोल रहे हो या फिर आप कोरियन फूड घर में ट्राई करना चाहते हो, तो आपको वहां पर सारे इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे, फ्रॉम सीवी टू सुशी, और इट्स सुशी राइट। आप लोगों ने बहुत बार रेक्टिफाई करने का कोशिश किया है, तो आई विल ट्राई टू। सुशी और सुशी, ए या बी कौन सा सही था बताना। सो सीवीड शीट, सुशी राइस, स्टिकी राइस, बहुत सारे सामान, आपको सारे कोरियन सामान उधर आपको मिल जाएंगे, फ्रॉम नूडल्स टू एवरीथिंग, काफी वैरायटी ऑप्शंस है। उसके बाद आई गॉट दिस, आई डोंट नो ये क्या है, कुछ क्रीम रोल टाइप्स है, इसको कैसे खाना आई डोंट नो। ये चीज केक है, इसको आई थिंक थोड़ा सा गर्म करके खाना है।
दिस आर ऑल वेरी एक्सपेंसिव फूड प्रोडक्ट्स हाँ आई मस्ट से. ये वाला जो है ये एक आइसक्रीम है, मैंगो आइसक्रीम, मैंगो लेमन आइसक्रीम. ये ना बॉटल है इसके अंदर, वो बॉटल खोल के फिर खाते हैं. आई हैव गॉट दिस स्पैम, बेसिकली दिस इज पोर्क स्पैम. देन आई हैव गॉट सॉसेजेस, इसको सिंपली गर्म करके आई थिंक खाना है, सॉस वॉस लगा के सराचा लगा के खाऊंगी. व्हेन इट कम्स टू नूडल्स, ये जजांग तो नॉर्मल है बुलदाब का, ये बिट्टू भैया के लिए हमने लिया है बिकॉज बिट्टू भैया आपको भी थोड़ा सर्दी लगा हुआ है. ये शिन रामेन, ये भी बहुत नॉर्मल है. ये मैंने अपना शॉर्ट्स अभी मैं कर रही हूँ, अगर आप शॉर्ट्स फॉलो नहीं करें तो जाके शॉर्ट्स करो बिकॉज आई विल बी अपलोडिंग अ लॉट ऑफ डिलीशियस शॉर्ट्स बिकॉज वी नीड टू रीच 1 मिलियन. शॉर्ट्स बनाना पड़ेगा, ऑप्शन नहीं है. यूट्यूब ही सपोर्ट कर रहा है यूट्यूब. ये शिन रामेन, ये मैंने 7 नूडल हैक रेसिपी ट्राई कर रही हूँ शॉर्ट्स में उसके लिए, तो ये भी साइड जाता है. आज के एपिसोड में हम लोग ये ट्राई करेंगे. ये मेरा देखा देखा लग रहा है, कोरियन में लिखा हुआ तो मेरे को कुछ इसका समझ में नहीं आ रहा है. बट ये वाला एक मशरूम वाला ट्राई करेंगे और ये एक ऑक्टोपस वाला बुल्लाक नूडल्स ट्राई करेंगे, पालदो का ऑक्टोपस फ्लेवर. और एक हम ट्राई करेंगे ये बिबिमबैप है, दिस इज बिबिमबैप, इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ नूडल्स, कोरियन नूडल्स, वो ट्राई करेंगे. ये एप्पल से बना हुआ है, कंटेन्स एप्पल कंसेंट्रेट इन सॉस, इट्स बेसिकली स्पाइसी स्वीट एंड सॉ. सो आई एम एक्साइटेड टू ट्राई ऑल ऑफ दिस. आर यू एक्साइटेड? देन हिट लाइक एंड सब्सक्राइब. एंड हाउ कैन वी फॉरगेट द मांडू मशरूम डंपलिंग. सो दिस इज अ वेजिटेरियन डंपलिंग. आई थिंक मैं सब कुक करके यहाँ रेडी कर लेती हूँ, उसके बाद खाती. ये लोग का मांडू डिफरेंट होता है ना एकदम, जैसा दिखाता है. सो ये है बिबिमबैप, मतलब कोल्ड नूडल्स बेसिकली. तो आप इसको वार्म भी खा सकते हो, कूल भी खा सकते हो. इसको हम लोग नॉर्मली बॉइल नूडल्स करेंगे, उसके बाद हम सॉस ऊपर से मिला के खाएंगे. और अगर आप चाहो तो करके फिर उसको यू नो नूडल्स को ठंडा पानी में रिंस करके फिर सॉस डाल के खा सकते हो, और उसमें क्यूकम्बर और एग डाल सकते हो. तो लेट्स हैव. Whoa, looks nice. I like it. इसके साथ ये लोग कोई सॉस नहीं दिया पैकेट में, तो वो एक बड़ा डिसएडवांटेज है. But sizes are so good, big, big. Finally, मैंने अभी मांडू बना लिया है. बिबिमबैप जो भी है, कोल्ड नूडल्स वो बना लिया है. ये फिर मैं बना के खाऊंगी, पहले मैं इसको खाती हूँ, मांडू गर्मा गर्म खाती हूँ. एंड मांडू के साथ उन्होंने कोई डिप नहीं दिया है, तो मैंने ये डिप बना लिया है, कोरियन डिप. मेरे को बनाना आता है इसीलिए. एंड मैंने यहाँ पर 2 एग फ्राई कर लिए है, क्यूकम्बर काट लिया है. तो सबसे पहले सॉस मिलाते हैं, द स्वीट सॉस, स्पाइसी सॉस. इट्स स्वीट सार स्पाइसी एंड सेवरी. सेसमी सीड सेसमी ऑयल का बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है. नाउ लेट्स मिक्स प्रॉपरली. सॉस कंपैरेटिवली कम नहीं है नूडल्स के, कंपैरेटिवली नूडल्स ज्यादा सॉस कम है. ये देखो, इसको कहते हैं फ्लाइंग नूडल्स. फ्लाइंग नूडल्स बन गया मेरा. ये मैंने मिक्स कर लिया इसको, अब इसमें डालते हैं हम लोग क्यूकम्बर एक साइड में. Not much cucumber I'm adding. पता नहीं, I don't know कैसा taste होगा. थोड़ा सा नहीं समझ में आएगा तो मैं वो dip ले लूंगी. And I'm taking the poached egg, sunny side of egg. And this is how my bibimbap looks like. Now let's dig in. So quite a good filling. बहुत ही ज़्यादा overloaded है. मतलब इस end से लेके इस end तक पूरा भरती है. There's good mushroom, chicken भी है. ये veg है क्या? हाँ veg तो लिखा था. I don't know ये what is this made of. And there's onion, spring onion. There is mushroom. This is again that fungus mushroom and carrot. Yeah. बेटर देन द नॉन वेज मोमोज. अंदर वाला फिलिंग नहीं बोली थी, आई थिंक टोफू या फिर बीन कर्ड और समथिंग है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा मेल्टिंग है. मतलब अंदर जाते मुंह में मेल्ट हो जा रहा है. द क्रंच ऑफ वेजीज आर सो गुड एंड विद दिस कोरियन डिप और चाइनीज डिप, वट एवर यू कॉल्ड इट एज, बहुत अच्छा लग रहा है. क्या है? अभी भी नहीं पता चल रहा है. मैदा का कुछ होगा इसलिए गल जा रहा है. अरे तो मैदा तो होगा नहीं, बट आई थिंक टोफू वोफू मैश करके डाला हुआ है. बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा लग रहा है खाने में. वेरी डिफरेंट, एक्सपेंसिव है लेकिन खाने में टेस्ट बहुत अच्छा है. एंड द बेस्ट पार्ट, इसका जो शीट है इतना पतला है, इट्स लाइक सो 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 गुड. वाओ, लुक एट दिस ब्यूटीफुल मांडू, कितना अच्छा लग रहा था. सेसमी सीड एंड द कोरिएंडर. Very nice. Very, 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 very delicious. It's crunchy, it's flavorful. And with the dip, it's tasting too good. सारे फैक्टर्स को अगर ध्यान रखो, इसका क्वालिटी इज वेरी गुड, टेस्ट इज सुपर अमेजिंग, वेरी डिफरेंट. ऐसे मांडू लाइक मोमोज ऐसे मैंने खाए नहीं है. इट्स मांडू, प्राइस इज लिटिल एक्सपेंसिव, बट ठीक है. अगर सब कुछ भी देखो ना, आई गिव इट 8. लाइक दिस इज गुड, लाइक दिस इज सुपर गुड, सुपर गुड, सुपर डिलीशियस.
मस्ट ट्राई विदाउट डिप ऑल्सो इट्स टेस्टिंग वेरी गुड. अंदर जो फ्लेवर है ना क्रंची सेसमी ऑयल का टेस्ट है. इट्स लिटिल टैंगी लिटिल स्वीट लिटिल सेवरी इट्स गुड. नाउ लेट्स ट्राई द बिबिम्बम. यॉक तोड़ देते हैं and mix this up. The yucky yucky with noodles. Take little bit of cucumber. Whoa. Quite long noodles. I won't be able to slurp but let's try. Wow. This is so good. As written in the packet, sweet, sour, spicy, it is good. And best part is the noodles are these are very thin noodles. Normally Samyang ka noodles bahut thick hota hai, chewy hota hai na. But this are deliciously thin, chewy noodles with the egg, yolk and cucumber. It's tasting too good. And best part pata kya hai? Ye main thanda karke kha rahi hu na, to bahut acha lag raha hai. It's like thanda delicious noodles. It's like a very nice snack kind of. Wow, let's eat the egg. Beautiful grill cuts. Whoa, it's quite a big bite. Aayega muh mein? Aayega? Kar lungi. I love big bites. This was a bite full of overloaded deliciousness. I can't tell you, these noodles are so good. I love this. I need to keep this थोड़ा सा ताकि मम्मी बिट्टू भी ट्राई कर पाए. मैं अंडा खा लेती हूँ क्योंकि अंडा तो एक है. इस नूडल्स के साथ अंडा ना पूरा ब्लास्ट हो रहा है मैं जाते ही. With the egg, it's tasting very cloudy, creamy, crunchy, and the noodles chewy, flavorful. Very nice. I will give this noodles price point. सब पॉइंट को ध्यान में देखो. Price तो in general expensive है तो उसको एक पॉइंट बना नहीं सकते हैं. बट इसका टेस्ट और क्वालिटी की बात करूं एंड एवरीथिंग तो आई विल गिव दिस 9 out of 10. दिस इज वेरी नाइस. लाइक फर्स्ट टाइम खा रही हूँ शायद इसलिए अच्छा लग रहा है. बार बार खाऊंगे तो शायद इसका रेट कम जाएगा. बट वो भी मैंने क्यूकम्बर एग एड करके खा रही हूँ बोल के. अगर आप नॉर्मल खाओगे इसको पैकेट से तो आप शायद इसको 6 out of 10 दोगे. मम्मा इज ट्राइंग विद चॉपस्टिक. वाह मम्मा बहुत अच्छे से खा रहे हो यार. मम्मा अंडा ले लो. अगर स्लर्प नहीं कर पाती हो तो काट लिया करो. ये खाओ ये बहुत अच्छा लगेगा. मशरूम मोमो है बहुत अच्छा है ये. कैसा लग रहा है? खा दे दो. क्या हुआ मोमो बॉय? मोमो बॉय को बहुत सर्दी लगा हुआ है. जजांग बना दो तेरे को. नहीं. जजांग खाएगा? क्या बात है लोग तेरे को बड़ा प्यार कर रहे हैं. क्या बात है. और बिट्टू बोल रहा है आप लोग का नजर लग गया बिट्टू को. वो इतना प्यार करते हैं ना. तेरे को तेरा प्रोटेक्शन शील्ड है. शील्ड शील्ड है भाई. क्या है बताओ? क्या है बोल. ब्रेड के जैसे तो लग रहा है. बोले की पाव रोटी है. पाव रोटी नहीं. पाव रोटी नहीं मम्मी. बन बन क्रीम बन है. खा के देखो. खोलो खा के बताओ. मम्मी बताएगी तब तो हम लोग थोड़ा रेस्ट लेंगे फिर नूडल्स खाएंगे. सिंपल फूडी की तरह खोलती हूँ. अरे बाबा ऐसे तोड़ती. क्या है इसके अंदर? कुछ लफ्ज़ तो नहीं है. पेठा पेठा है. पेठा. क्या पेठा? पेठा है. पेठा बोलते हैं तो जो पापा अगले से लाता है. मम्मी पेठा नहीं है उसके. तो क्या है? पेठा. यही होता है जब मम्मा लोग रिव्यू करती है. मम्मी लोग मम्मी के लिए हिट लाइक क्योंकि मम्मी लोग एक्चुअल में रिव्यू करती है. सही रिव्यू करती है. क्या है पेठा की तरह है ना. हाँ स्वीट बन खा के बताओ कैसा. मिष्टी पाउडर जो है वो স্ট্রবেরি ফ্লেভার আর চকলেট ফ্লেভার ব্লুবেরি ফ্লেভার বিক্রি করছিল 250-350 টাকা. তাহলে এটা আমি ঘরে বানিয়ে নেবো. तो ये है कोई स्वीट बन. लेट्स ट्राई द स्वीट बन. इसके अंदर ये कुछ डाला हुआ एकदम सॉलिड सा है और बाहर इट्स लाइक यू नो. मेरे को लगता है गरम करके खाना चाहिए बिट्टू. मेरे को लगता है गरम करके खाना चाहिए था. गरम करके खाने से तो मेल्ट होगा. मेल्ट होगा. पिघलने वाला नहीं है वो. अरे स्वीट बन है. डाल दिया उसमें बोला करके चीनी नहीं डाल दिया. कोरियन मिष्टी पाउडर. I'll give this -1 out of 10. Yes, -1. That's different. मतलब it's not good. मतलब it's not edible for me. I can't eat this. हम लोग यहाँ पे 15-20 रुपए में मिलता है मिस्टी पाउडर. इससे बड़ा तो different है खाने में. फूड फन प्लीज मेरे को कमेंट करके बताओ क्या मैं गलत खा रही हूँ क्योंकि इसके अगर गर्म करके खाना चाहिए था. आई हैव नो आइडिया बिकॉज मैं के ड्रामा देखती रही तो मुझे पता नहीं है. ये अंदर ये जो है ना ये बहुत सॉलिड सा चीनी का एक तो बॉल है. उसके बाहर बन के अंदर इस चीनी का ये बॉल घुसा के रखा है. ना नॉट हैपनिंग. लेट्स गो एंड मेक दिस 2 noodles. बट इसको मैं थोड़ा सूपी बनाऊंगी बिकॉज बिट्टू भाई का थोड़ा तबियत खराब है तो सूपी रहेगा तो ही लव इट. मेक द ऑक्टोपस मम्मा इज नॉट गोना ईट. मेक द मशरूम मम्मा इज गोना ईट. लेट्स गो.
पास तो कुछ है नहीं, फ्लेवर्स कैसे डालेगा बताओ। Let's heat this. तो ये मैंने ऑक्टोपस वाला बना लिया है। हमें ऐसा क्यों लग रहा है ये वाला नूडल्स मैंने पहले खाया हुआ है, मशरूम वाला आइलैंड में खाए होंगे। हाँ ना, मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने ये वाला पैकेट देखा है कहीं पर, मैंने खाया ये वाला नूडल्स। ओजीजी का सब है। ये देखूंगी अभी मैं, ये सब खत्म करती हूँ उसके बाद देखूंगी, अगर पेट में जगह हुआ तो खाऊंगी, अदरवाइज मैं ज्यादा नूडल्स नहीं खा सकती। सो अभी फिलहाल आई गॉट दिस पाल्दो का ऑक्टोपस नूडल्स, जिसको मैंने थोड़ा सूपी रखा हुआ है, सो दैट बिट्टू भाई एंड मी बोथ कैन स्लर्प एंड एंजॉय। एंड यहाँ पर आई गॉट, मैंने ये क्यों लिया ब्लैक कॉफी आई हैव नो आइडिया, बट लेट्स सी क्या है। खुलता कैसे भाई? सो बिट्टू भाई ने एज यूजुअल उसको खोल दिया, लेट्स सी क्या है। आई थिंक ब्लैक कॉफी है। मैंने क्यों लिया 170 या 120 150 रुपए देके ब्लैक कॉफी, आप लोगों के लिए टेस्ट करने के लिए, ताकि आप लोग ये गलती मत करना। अगर अच्छा नहीं हुआ तो मत खाना, पैसे मत बर्बाद करना। 5 रुपए का ब्लैक कॉफी है, चीनी नहीं है। सही बोल रहा है, पर मुझे पसंद है, कड़वी चीजें अच्छी लगती है, मुझे अच्छी लगती है, लाइक ठंडा ब्लैक कॉफी, कोल्ड इट्स लाइक कोल्ड ब्लैक कॉफी, तो वो वही है। बट कोल्ड ब्लैक कॉफी आप घर में बना के पी सकते हो। ये मैंने लिया 150-170 रुपए का। चीयर्स टू माय मनी स्प्लर्जिंग हैबिट, बट एनीथिंग एंड एवरीथिंग फॉर फूड फैम। ये मत खरीदना वहां से, रादर आप घर पे बना के पी लेना, और अगर आप रास्ते में भी हो तो फिर आई डोंट नो, जो आपको समझ में कर लेना। इसको अगर मेरे को रेट करने की बात है तो मैं आई विल रेट 5 out of 10। एंड लेट्स ट्राई द ऑक्टोपस नूडल्स। सो यहाँ पे मेरे पास दो सॉसेजेस है, एक है चिकन सॉसेज और एक है पोर्क सॉसेज, बेसिकली पोर्क मीट सॉसेज में डाला हुआ है। अभी इसके लिए मैं बोलूंगी नॉर्मल स्मोकी सॉसेज है, सिर्फ शेप अलग है, टेस्ट अभी पता चलेगा तो बताऊंगी, तो पहले टेस्ट करती हूँ उसके बाद बताती हूँ। सो मैं इस चाइनीज डिप में खाती हूँ उसको लगा के, करना शेप। मैं बोलने वाला था शेप गजब है। खाने में देखा बिट्टू, खाने में अच्छा है, स्मोकी है एंड डिफरेंट, मतलब नॉर्मल सॉसेज मीट प्रोसेस लगता है ना, ये बहुत अलग टेस्ट है। I think it's not chicken, it's pork. This is pork sausage. Wow. Let's dip it into the octopus ka sauce and then eat. Wow. The taste is super good. You will try. वो पॉर्क ही है। पॉर्क है। You can try. क्योंकि पॉर्क जो था पिंक कलर का होता है उसका मीट, इसलिए। So you can give it a try. मतलब एक बार खा लेना, एक बार अच्छा लगेगा। Wow, it's so good. हल्का स्वीट स्मोकी टेस्ट, वेरी नाइस। दिस इज टू एक्सपेंसिव, क्वांटिटी और प्राइस एस्पेक्ट से बोलूं तो आई गिव इट 5 out of 10, बट टेस्ट वाइज, अगर सिर्फ टेस्ट वाइज बोलूं तो 7 out of 10। नाउ लेट्स ट्राई दिस पोर्क, ये क्या है, आई डोंट नो, पोर्क मीट का ही है समथिंग, चाइनीज डिप में लगाते हैं। एंड वो स्मेल्स मसालेदार। दिस इज स्वीट सार स्पाइसी, लिटिल स्पाइसी। ये नॉर्मल स्मोकी एंड स्वीट टेस्ट था, इसमें थोड़े फ्लेवर ज्यादा, अदरवाइज अब अगर देखो अंदर का जो माल मसाला है दोनों सेम है, बट दिस इज मोर ऑन अ फ्लेवरफुल साइड। दिस इज वेरी गुड, आई लव दिस। लेट्स ट्राई इट विद द नूडल्स। अरे यार, इसका सूप तो पूरा ब्लोटेड हो गया है। नूडल्स जल्दी खा लेते हैं बिकॉज इट्स गेटिंग ब्लोटेड। वाओ, बहुत गर्म है, बहुत 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 गर्म है। तुम खा सकते हो ये वाला, ट्राई करने के लिए खा लेना, बट आई वोंट से कि डेली खाओ। बिट्टू भैया नहीं खाना चाह रहा, तो मैं बिट्टू भैया बिट्टू खा, मेरे को अपनी खाना पड़ेगा। तो क्या पाए ये वाला, अच्छा ये लो खाओ। सामयांग की तरह खाने में है, बट ये लिटिल यू नो दिस इज लाइक थोड़ा सा नूडल्स एक्जैक्टली लाइक सामयांग, चुई एंड थिक, एंड इसका टेस्ट इज स्पाइसी। जब आप फर्स्ट बाइट ले रहे हो ना तो इट्स स्वीट, बट आप जब पूरा च्यू करके गल डाउन कर ले रहे हो तो जो आफ्टर टेस्ट है मुंह में वो स्पाइसी है। सो यू अंडरस्टैंड द फर्स्ट स्टार्टिंग इट्स स्वीट, एंड में इट्स स्पाइसी। ऑक्टोपस का कोई फ्लेवर नहीं है। ये लोग भी केएफसी की तरह खेल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, डिफरेंट फ्लेवर निकालते तो ऑक्टोपस का चेहरा बना देते हैं, उस पर प्रिंट कर देते हैं पैकेट में, एक नया प्रोडक्ट निकल गया। जबकि ऑक्टोपस का कोई, मेरे को तो कुछ फ्लेवर समझ में नहीं आया, एटलीस्ट अगर छोटा छोटा चंक्स ऑफ ऑक्टोपस भी होता तब भी समझ में आता। फिशी कोई टेस्ट, लाइक फिशी कोई टेस्ट होता वैसा बिल्कुल नहीं है, ड्राई ऑक्टोपस डाल देता कुछ भी, बट वैसा कुछ नहीं है, इट्स लाइक नॉर्मल सामयांग जैसे हम लोग खाते हैं। सामयांग बहुत ज्यादा स्पाइसी होता है, ये डिलीशियसली माइल्ड स्पाइसी है। अच्छा हो इसको सूपी बना लिया, बिट्टू को अच्छा लगेगा।
ऑक्टोपस वाला पॉइंट अगर रखू तो मैं इसको 6 out of 10 दूंगी, अगर ऑक्टोपस वाला पॉइंट हटा दू टेस्ट की बात करूँ एंड ऑल तो आई विल गिव इट 7.5 out of 10। हाँ क्या टाइम पास कर रहे हैं तुम उसके साथ? उसी के पास जा रहा। कहाँ बैठा दिया सिंजू को? देखो सिंजू बा तुम तो आसमान में उड़ रहे हो, पापा का परा उड़ गया। तो भाई फूड फैम बहुत ज्यादा खा लिया है। एक्चुअली गिल्ट होता है जिम कर रही हूँ ना इसीलिए, और इसीलिए भी मैं 24 hours भी नहीं कर रही हूँ बिकॉज आई डोंट रियली वॉन्ट टू पुट ऑन अ लॉट ऑफ वेट अभी, बिकॉज अभी नेक्स्ट 2 महीना मेरे को बहुत लग के खाना है। सो आई थिंक आई हैव हैड अ लॉट। बचा कुचा ये जो चीज केक है, आइसक्रीम है, ये सब मैं अभी नहीं खा रही हूँ। एंड मैं ये आपको इसका रिव्यू कैसे दूंगी, स्टे ट्यून्ड टू माय शॉर्ट्स। मैं शॉर्ट्स में खा के आपको दिखा दूंगी आराम से बैठ बैठ के। सिंफुल फूडी दीदी का एप्स नहीं है ठीक है, बट आप नहीं चाहते हो ना सिंफुल फूडी दीदी का तोंदा है, नहीं देख रहे हो ना ये सॉर्ड। सो या अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन मेक श्योर टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब, और हाँ एक्सप्लोर गुड फूड, बी हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड आई विल सी यू द नेक्स्ट टाइम। टिल देन हैप्पी ईटिंग्स, बाय बाय।